अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी टाइम बाद, आई थिंक एक साल के बाद मैं वापस वीडियो बना रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियो डाल के दे रहूँ, पर आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि मेरे पास, मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया वापस से, तो उसमें मुझे पूरा टाइम चला जाता है, टाइम नहीं मिलता है। पर आज स्पेशल चीज़ बन रही थी, मुंबई स्टाइल सैंडविच बन रहा था, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी तो ज़रूर शेयर करनी बनती है। क्योंकि दोहा में ऐसा होता है ना कि दोहा या कहीं पर भी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, स्पेशली अगर हम लोग कहीं और रहते हैं तो वहाँ की जो चीज़ें होती है, जहाँ जो हम बचपन से खाए उसको बहुत याद आती है कि हमको वैसा ही टेस्ट चाहिए। तो बस उसके आसपास वाला टेस्ट लाने की मैं ट्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं पहले आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि कम इंग्रेडिएंट्स है, आगे हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 आलू लिया है, जिसको मैंने ऐसे बॉईल कर लिया है या बॉईल करके साफ़ कर लिया है इसको अच्छे से। ये पुदीना है वॉश किया हुआ, हरा धनिया वॉश किया हुआ, कोथमीर, हरी मिर्ची मैंने वॉश की है। और अपने हिसाब से आप टेस्ट जितना तीखा खाते हो चटनी उतनी तीखी आप रख सकते हो। चटनी थोड़ी तीखी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तेज़ चटनी ली है। यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ ली है 4 और ज़ीरा नमक। तो ये चटनी का सामान है जो मैं चटनी बनाने में यूज़ करूँगी। तो पहले फटाफट से चटनी बनाते हैं, उसके बाद सारा बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार ले लिया। अब सबसे पहले मैं उसमें पुदीना ऐड करूँगी, उसके बाद जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स है, कोथमीर, मिर्ची, लहसुन और ज़ीरा नमक। इसमें हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो चटनी जो है पीस गई है और अभी भी थोड़ी थी के ब्रेड पे लगाने के हिसाब से, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे ताकि ये थोड़ा और पतला हो जाए। ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा, और इसको एक और बार ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे से पानी जो है इसमें मिक्स हो जाए। और ये सैंडविच का मसाला जो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था, पहले जब मैंने बनाया था तब मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था, तो इसमें सिर्फ लाल मिर्ची है जो मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, सौंफ है, सौंफ को भी मैंने ड्राई रोस्ट, और धनिया, अक्खा धनिया को ड्राई रोस्ट किया है, और ज़ीरा को। और इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद, ठंडा होने के बाद हम इसको पीस लेंगे और ऐसे पाउडर बना के एयरटाइट डब्बे में बंद कर देंगे। तो इसमें आलू में मैश किए, आलू में मैं ये वाला मसाला जो है वो ऐड कर दूंगी। और फिर इसमें जो है हम लोग नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम साथ में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो है रेडी करके रख लिए। मैंने वेजिटेबल्स को भी स्लाइस कर लिया है। ये जोकुंजी है जिसको मैंने, उसका छिलका नहीं निकाला क्योंकि इंडियन ककड़ी यहाँ पर नहीं अवेलेबल है, इसीलिए मैंने ये वाली ली है जोकुंजी। ये टमाटर मैंने स्लाइस कर लिया है और प्याज लिया है सिर्फ, प्याज को भी मैंने राउंड स्लाइस कर लिया है। यहाँ पर बीटरूट भी अवेलेबल नहीं था मेरे नियर बाई शॉप में, तो इसीलिए मुझे बीटरूट भी नहीं मिला। और बीटरूट के बगैर तो थोड़ा मज़ा कम हो जाता है, पर फिर भी चलता है, थोड़ा तो आ जाएगा। तो ये ब्रेड के स्लाइस है जो मैंने लिए हैं यहाँ पर, के क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हो, बटर, अमूल बटर, टेस्ट ऑफ इंडिया। और ये ग्रीन चटनी जो भी हम लोग ने फ्रेशली बनाया है, ये आलू का मिक्सचर है जो अभी हमने मिक्स किया था वो, और चीज़ आप चाहे तो ले सकते हो वरना नहीं। तो मैंने चीज़ लिया है बच्चों के लिए। और दूसरे साइड पे मैंने गैस पे जो है ये रख लिया है ऑथेंटिक सैंडविच मेकर, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक सैंडविच का यूज़ नहीं करूँगी, मुझे ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला सैंडविच मेकर लिया है। और अब मैं इसको प्रीहीट करने रख दूँगी। जब तक मेरा सैंडविच रेडी होता है तब तक ये प्रीहीट हो जाएगा। हम ब्रेड के दोनों साइड पर, मतलब एक ये नीचे वाला ब्रेड और उसके ऊपर जो ब्रेड कवर होगा उस पर हम बटर लगा देंगे, उसके बाद हम उस पर चटनी लगा देंगे।
ब्रेड के दोनों साइड पे ही मैंने ब्रेड के दोनों साइड पे चटनी भी और बटर भी लगा लिया है, और आप चाहे तो केचप भी लगा सकते हो, और मैं केचप लगाऊंगी, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल हल्का हल्का सा मैंने दोनों ब्रेड पे केचप स्प्रेड किया है। उसके बाद हम इस पे आलू के मिक्सचर लगाएंगे, एक ब्रेड पे एक पार्ट पे जो है हम आलू का मिक्सचर लगाएंगे। यह मैंने आलू का मिक्सचर लगा दिया। अब हम एक के बाद एक सब्जी जो है इस पे वेजिटेबल्स रखेंगे। मैंने पहले कुकुम्बर की लहर लगाई, फिर उस पर प्याज की, उस पर अगर आपके पास है बीट रूट आप वो भी रख सकते हो, और उस पर मैंने टमाटर रख दिया है, और उस पर हम थोड़ा सा नमक छिड़क के अब आप इसको कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड से। दूसरी साइड जो है मेरा टोस्टर भी अच्छे से प्री हीट हो गया है। अब मैं इसमें बटर लगा के उसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, और उसके बाद हमारा सैंडविच बना हुआ सैंडविच इसमें हम टोस्ट करने रख देंगे स्लो फ्लेम पर। इसमें मैंने बटर लगा दिया, अब हम इसको ग्रीस करेंगे अच्छे से पूरा ऊपर भी, इधर यहाँ वाले पार्ट पर भी। तो यहाँ बटर को मैंने ग्रीस कर लिया है, और टोस्टर को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऊपर वाले पार्ट पे भी और ये वाले पार्ट पे भी। अब हम अपना सैंडविच पे रख देंगे। ब्रेड रख दिया है मैंने, अब इसको बंद करके हम इसको पकने देंगे। जब तक ये बन रहा है तब तक हम इसको बनने देते हैं, और दूसरी तरफ हम दूसरा सैंडविच रेडी करेंगे ताकि फटाफट जो है हमें गर्मा गर्म सैंडविच खाने मिल सके। यहाँ हमारा सैंडविच बन गया है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब मैं इस पे बटर लगा के चटनी और सॉस केचप लगा के इसको मैं सर्व करूँगी। झूले लाल होना चाहिए।